गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछला चैप्टर हमने एनिमल्स, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पढ़ा था, ठीक है, एंड बर्ड्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वी केयर फॉर एनिमल्स, इसका नाम है वी केयर फॉर एनिमल्स, यानी वी मतलब हम, केयर मतलब देखभाल, फॉर एनिमल्स यानी हम कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं एनिमल्स की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम और फार्म बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। वी कीप, हम रखते हैं सम एनिमल्स, कुछ पशुओं को, इन आवर होम्स, अपने घरों में और अपने फार्म्स पर भी रखते हैं, ठीक है। फार्म मतलब खेत कह सकते हो, या फिर फार्म को फार्म भी बोल सकते हो। बिकॉज, क्योंकि दे आर यूजफुल टू अस, किस लिए रखते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए क्या है, यूजफुल का मतलब का मतलब हमारे उपयोगी हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, ठीक है। इन मैनी वेज यानी वो बहुत तरह से, अलग अलग प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है, इसलिए हम उनको रखते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने घरों में, अपने फार्म पे रखते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा, डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, एनिमल्स का मतलब पशु, यानी जिनको पालतू पशु भी, वैसे पेट एनिमल्स बोलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम अपने फायदे के लिए या अपने उपयोग के लिए हम अपने घर पे, अपने फार्म पे रखते हैं। कैन यू नेम द डोमेस्टिक एनिमल्स, ये कुछ एनिमल्स के नेम बता सकते हो, गिव द वूल, जो हमें ऊन देते हैं, कौन कौन सी, एक तो शिप, एक गोट, याक, क्या करते हैं, हमें ऊन देते हैं। गिव अस हनी, हनी किससे मिलता है बेटा, हनी बीज से मिलता है। गिव अस एग, जो हमें एग देते हैं, हैन, ठीक है, मुर्गी की बात की जाए, और क्या देते हैं हमें अंडे, एग्स की बात की जाए, तो एग की बात की जाए तो हैन हमें अंडे देती है, या ऑस्ट्रिच वगैरह जो भी अंडे देने वाले हैं, ये मतलब जितने भी अंडे देने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे इमू वगैरह आपको पता है पालते हैं, ठीक है, वो भी अंडे देते हैं अपने। आर यूज फॉर राइडिंग, राइडिंग के लिए हम किस किस का यूज करते हैं, ठीक है, ऊँट का, कैमल का भी यूज करते हैं और हॉर्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। प्लो और फील्ड, फील्ड को प्लो करने की बात करें तो ऑक्स, बैल से करते हैं ना, ठीक है, बैल को यूज करते हैं, या फिर ऊँट से भी करते हैं, कैमल भी आ सकता है। गिव्स, वी लव टू कीप एट होम, हम घर पे रखने के लिए कौन कौन से पशु उनको पालते हैं, जैसे हमने डॉग और कैट की बात की जाए तो हम उनको घर पे रखते हैं। गिव्स अस मिल्क, हमें मिल्क किससे मिलता है, काऊ से और बफेलो से। पुल ए कार्ट, यानी जो घोड़ा गाड़ी खींचता है, हॉर्स की बात की जाए, या फिर किस नेक्स्ट की बात की जाए कि तो ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक, बैल भी बोला जाता है उसको। गिव्स अस फ्लैश, फ्लैश का मतलब मांस, मांस के लिए मुर्गी या गोट, बकरी वगैरह, बकरा वगैरह, उसके भी मांस के यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट की बात करें, हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स नीड फूड, अब एनिमल्स को क्या चाहिए, एनिमल्स को भी भोजन चाहिए। लेट अस, चलो पढ़ते हैं उनके बारे में। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, एनिमल्स को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, ग्रो एंड स्टे हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और बढ़ने के लिए। सम एनिमल्स वर्क फॉर अस, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। दे नीड एनर्जी टू वर्क, यानी उनको काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी, शक्ति, पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, जैसे हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से, वैसे एनिमल्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा, फूड से ही मिलती है। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज, यानी डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के पशु, आर डिफरेंट टाइप्स, सभी अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और फूड्स इन डिफरेंट वेज, उन्हें अलग, यानी अलग अलग तरह के पशुओं को अपने अलग अलग तरह का भोजन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, या जैसे उनको पसंद है वो खाते हैं। काऊ, गोट, डियर एंड हॉर्स ईट प्लांट्स, जैसे हम बात करें काऊ, गोट, डियर, हॉर्स ईट प्लांट्स, ये काऊ, गाय, बकरी, हिरन और हॉर्स क्या खाते हैं, घास खाते हैं, जबकि लायन, टाइगर, लियोपॉर्ड, एगल आर ईट फ्लैश, जबकि चीता, शेर और बाघ क्या खाते हैं, और गिद्ध मांस खाते हैं, ठीक है। वी कीप पैट एनिमल्स लाइक रैबिट एंड कैट्स इन अवर होम, हम घर पे जो पालने के लिए कौन कौन से पशु रखते हैं, कैट भी रखते हैं, रैबिट भी रखते हैं, और रैबिट यानी खरगोश, और बिल्ली और कुत्ता हम पालते हैं।
वी गिव देम फूड, हम उन्हें क्या देते हैं, भोजन देते हैं। वी कैन टच देम, हम उनको पकड़ सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। देम एंड प्ले विद देम, यानी हम उनको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं और उनके साथ खेल भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। दे डू नॉट हार्म अस, दे डू नॉट, वे नहीं पहुँचाते हार्म हानि टू अस, हमें वे किसी प्रकार की हमें हानि नहीं पहुँचाते। वाइल्ड एनिमल लाइक लायन टाइगर आर हार्मफुल, यानी अगर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जीवों की बात की जाए, पशुओं की बात की जाए, जंगली पशु लाइक लायन एंड टाइगर, लायन और टाइगर, शेर और चीता, वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। वी डो नॉट गो नियर देम और ट्राई टू टच देम, ना हम उनके पास जा सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं, ठीक है। वाई दे माइट बाइट और हार्म, क्यों, क्योंकि वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम उनके पास नहीं जा सकते। अब देखो इसमें दे रहा, काऊ गोट डियर एंड हॉर्स आर ईट, अब काऊ डियर हॉर्स की क्या खाते हैं, प्लांट्स, ग्रास, प्लांट्स आएगा यहाँ पे। वी कीप खालिस्तान इन आवर, वी कीप ब्लैंक एनिमल्स इन आवर होम, हम अपने घरों पे कौन से पशुओं को रख सकते हैं, पेट एनिमल्स को, ठीक है। पेट एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ पे रैबिट और कैट की बात आ सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेट एनिमल्स लिख दोगे तो भी ठीक रहेगा बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा थोड़ा इसके बारे में, नेक्स्ट सेजून के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।